हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी हिंदी की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है जो हमें शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राप्त होती है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 5 और जो तिथि है, दिनांक है, वो है हमारी 16 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज की वर्कशीट है। सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका मतलब आपकी क्लास टीचर जो है उनका जो है नाम आएगा, शुभ नाम, वो आप यहाँ पे लिखिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। तो शुरू करते हैं बेटा। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, बस इतना ही काफ़ी है फिर भी मैं जोर लगाता हूँ उस, ठीक है, ये जो दो वर्ड आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बस इतना ही काफ़ी है, में जो है ही पे अंडरलाइन है, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ भी पे भी क्या है, अंडरलाइन है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, किसी बात को ना जोर दे रहे हैं। किसी बात पे जब जोर देते हैं तो उनके लिए जो है हम कुछ शब्द को यूज़ करते हैं और उन शब्दों को हम बोलते हैं निपात। क्या बोलते हैं? निपात। जैसे हम यहाँ पे क्या, बस इतना ही काफ़ी है, यहाँ पे क्या कुछ जोर दे रहा है बात पे, ही लगा के, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी लगा के जोर दे रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं निपात। ठीक है, आपके जो ये जो चैप्टर है हिंदी, वो दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटे जिनमें निपात का प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये क्या है आपका पहला प्रश्न है, ही और भी निपात के हमने आपके लिए 5-5 जो है वाक्य छांट लिए हैं। इसमें सिर्फ 5 लिखे हैं लेकिन हमने आपके लिए ही और भी दोनों के ही 5-5 लिख लिए। जैसे पढ़ते हैं, एक हम 2-4 पढ़ते हैं फिर आप कर लेना। ठीक है, देख, जैसे कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ठीक है, मतलब एक ही, मतलब यहाँ पे क्या जोर दे रहा है, एक ही मतलब किसने, एक ही ने। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति था जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। ठीक है, हमने 2 पढ़ लिए, अब यहाँ पे एक भी का एक और पढ़ लेते हैं कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा। यहाँ पे क्या है, जोर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, जिस पे जोर डालते हैं वो क्या होते हैं, निपात शब्द। तो ये आपको हमने 5-5 शब्द लिख लिए बेटा, इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हो गया है। आपने जो है कथा पढ़ी होगी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ बहुत सारे जो है मुहावरों का जो है प्रयोग हुआ, जैसे हिम्मत, ठीक है, या कुछ मुहावरे दिए गए हमें उनके जो हैं वाक्य बनाने, जैसे हिम्मत हारना, टकटकी लगाना, जान से हाथ धोना, ईंट का जवाब पत्थर से देना और दांतों पसीना आना। तो ये हमने आपके लिए करा हुआ है। जैसे हिम्मत हारना का हम क्या बनाएंगे, रोहित परीक्षा में असफल होने पर हिम्मत हारने लगा तो उसके माता पिता ने उसे समझाया, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखो, ये रहे हमारे और टकटकी लगाना, सब बंगाल के नतीजों की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। आपको पता है कि बंगाल के जो है चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, कई जगह हो भी चुके हैं, तो सब ने क्या है टकटकी लगा के देख रहे हैं, हो रहे हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, हाथ से जान से हाथ धोना, कोरोना वायरस के कारण हजारों लोगों को अपनी जान से क्या है हाथ धोना पड़ रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुश्मन को सदैव ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। दांतों पसीना आना, शरारती बच्चों को समझाना शिक्षक के लिए दांतों पसीना आने जैसा है। ठीक है, तो ये हमने किया है मुहावरे। आप इनके अलावा आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो भी मुहावरे बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही बनाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा ये पीछे की साइड लगते हैं, प्रत्यय, ऐसे याद कर लो, पीछे पर पीछे, ठीक है ना। समाज प्लस इक सामाजिक, सुगंध प्लस इत सुगंधित। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक शब्द में क्या है, इक जुड़ा है और सुगंधित में क्या जुड़ा है, इत जुड़ा है। तो इससे क्या है, एक नया जो है शब्दांश प्रत्यय लगा के बन गया है। ऐसे ही दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांट कर लिखे, जहाँ पे इक इत आगर दाना प्रत्येक जो है प्रयोग हुआ। ये भी प्रश्न हमने बच्चे आपके लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं, सीधा वही प्रश्न पे आते हैं। ये रहा आपका थर्ड, ठीक है, चलाना ना इत प्रत्येक का यूज़ हुआ है, सांकेतिक का हुआ है, संगठित इत का, चाटनी भागा, नादान मालिक, कहानी मारा बंदा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके प्रत्यय जो है हमारे हमने प्रयोग किया है और अपने नए प्रत्यय हमने शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ के हमने नए शब्द बनाए हैं। तो ये आप प्लीज़ यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना।
ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की जो है 9th क्लास की 5th वर्कशीट है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और बच्चे प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे ना हमें पता लगता है कि जो हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको हमारा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है क्या। ठीक है, तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, COVID-19 से बच के रहिए, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज़ कीजिए या साबुन से धोइए और मास्क लगाएं। बाय बच्चों।